मेरी उम्र 78 ईयर्स की है, 78, और वो भी उसमें मेरे बाल अबू के, आपसे मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, मेरा नाम रतन सिंह सिसोदिया है, मैं एज ए कमिश्नर रिटायर हुआ भारत सरकार दिल्ली से। क्या बात है, कमिश्नर रिटायर हुए, और मेरी एज उसमें 77, एक साल कम लिखी थी, लेकिन एक्चुअली एज पहले कम लिखा है करते सर्टिफिकेट में। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि मैं सन 80 से करता आया हूँ योगा, लेकिन ये प्राणायाम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। जब 2003 की बात है, मेरे पीए ने बताया कि एक बाबा जी आते हैं वो उसमें टीवी पे आस्था चैनल पे, तो आप पेट चिपको लेते कि आप डर लगता है देख के। मैंने कहा ऐसा क्या, मैंने भी आके देखा रात का 8 बजे, तो आपका जो था वो देखा, और मेरे का तब आपका इतना फेमस नहीं थे, लेकिन उससे इतना फेमस हुए आप पूरे दिल्ली में, ये होने पर आपका प्रोग्राम भी हुआ था दिल्ली। अच्छा, हाँ। फिर मैं फेमस हो गया 2003 में हुआ था। आप अब आप देखिए प्राणायाम से मेरे को क्या फायदा हुआ, हाँ, बताऊँ आपको। मेरे को प्राणायाम से पहला फायदा जो मेरे बाल उगने शुरू हो गए, जो मतलब ये ऐसे एक तो ये करने से, और थोड़ा वो आपने बताया सच्ची तो। अच्छा, दूसरा मेरी आंखें जो है, पहले चश्मा लगता थोड़ा 2 नंबर का मेरे को जब मैं सर्विस में था, लेकिन ये करते करते 2008 से मेरे चश्मे भी उतर गया, चश्मा उतर गया, अब मैं पूरी तरह से फिट हुआ, 25-30 साल का जवान होता वैसे हूँ 78 ईयर्स के। अब 25-30 साल जैसे फील कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, 72 साल। बस मेरी जो प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं आया हूँ वो ये कि मैं आधा किलोमीटर ज्यादा चल ही सकता, चलने के बाद मेरे पैर झुंझुनी हो जाती है, पैर में झुंझुनी आती है ना, मतलब सुन्न हो जाते पैर नीचे से। वो इम्यूनोग्रिट खाया करो, इम्यूनोग्रिट। अच्छा अच्छा, इम्यूनोग्रिट और अश्वशिला। अच्छा अच्छा, दौड़ों के घोड़े की तरह, बाकी सब ठीक है, वो मेरा बल्ले बल्ले बन गया है वो करने, और स्विमिंग भी करता हूँ मैं आपके से आशीर्वाद से, और मैं आपको अपना भगवान जैसे मानता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धियाँ आसान नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता इन चीज़ों को जो इसके थ्रू आपके थ्रू मेरे को मिला है, उसके बहुत बहुत प्रणाम। चलो, बहुत आशीर्वाद। 72 साल की उम्र में अब आधी आधी एज महसूस कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एज कितनी हो गई, आधी।